हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इमरान और स्वागत है आप सभी का आई ए एस पी अकेडमी में फ्रेंड्स ये हमारा स्टेटिक जगह का पार्ट टू है इससे पहले भी मैंने स्टेटिक जगह करवा रखी है लेकिन वो हमने मिक्स प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है सस्सी के जो हमारा चल रहा है साथ साथ वो भी चल रहा है जी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है और ये मैंने अलग से लेकर आया हूँ मैंने कहा लास्ट वीक बचा है आप जितने स्टेटिक जगह करवाए उतने लिए आपके बेटर होगा क्योंकि स्टेटिक जगह वेट इज़ बहुत है सस्सी में कम से कम दस क्वेश्चन आएंगे मिनिमम तो ज़्यादा टाइम नहीं में सस्ते चलिए शुरू करते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है हमारा सागत धावा किस राज्य का त्यौहार है सागा दावा। किस राज्य का त्यौहार है सिक्किम का है त्रिपुरा का या मणिपुर का है एक और ऑप्शन होगा या फिर असम का है तो आप देख लीजिए तो ये कहाँ का है ये असम का ठीक है ये आंसर असम और एक किस भगवान का डिवोटेड है ये सकता है कि किसका डिवोटेड है सागा दफा बुद्धा को डिवोटेड है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिर से आ गया वही सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्यौहार में से एक है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इंग्लिश में देख लीजिए जैसे देखना तो मैंने कोई ऑप्शन आपके सामने ही होंगे तो कौन सा इसका आंसर होगा सिक्किम होगा भी बताया सागा दावा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रंगोली बिहू वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम ये बता दीजिए अगली बार अगली बार ये पूछ सकता है कि रंगोली बीहू कहाँ का त्यौहार है ठीक है तो कहाँ का आसाम भैया यह अब ये पूछा मंथ कौन सा तो है किस मंथ में मनाया जाता है देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं तो रंगोली बहू देख लीजिए किस महीने मनाया जाता है अक्टूबर में मनाया जाता है या फिर आ, या फिर मार्च में मनाया जाता है या फिर जून में या फिर अप्रैल में आप देख लीजिए ये कब मनाया जाता है मनाया जाता है अप्रैल में ठीक है और आसाम में तीन तरह के बीह होते हैं एक रंगोली बहू होता है एक बोहाग बीहू होता है और एक कति भी होता है और एक माघ भी होता है रंगोली भी को ही क्या कहते हैं बोहाग इसे कहते हैं बोहाग बोहाग बीहू कहते हैं ठीक है इसी बिहू को रंगोली बहू को और एक कौन सा पता है एक होता है कति याद देखिए एक कति याद देखिए कि तीनों में से कुछ पूछ सकता है एक कति बिहू होता है और एक होता है माघ एक होता है माघ माघ ठीक है ये अलग अलग महीने हैं कौन से महीने जो तो कि रंगोली बिहू मनाया जाता है ये बोहा ये अप्रैल में मनाया है आपने देख लिया अभी अप्रैल में मनाया जाता है ठीक है और इसका कति बिहू कति बहू कब मनाया जाता है कति मनाया जाता है अक्टूबर में याद रखिएगा ये कति बहु अक्टूबर मनाया जाता है ठीक है लास्ट होता है माघ माघ बहू कब मनाया जाता है ये बनाया था जनवरी में जनवरी ऑप्शन नहीं है मैं देता हूँ इसमें एक जनवरी ये तीनों आप नोट कर लीजिए कॉपी पे तीन तरह का बहू एक बोहाग बिहू इसी को क्या कहता है रंगोली बहू ये मनाया जाता है किस में अप्रैल में और एक होता है कति बिहू कति बहू कब मनाया जाता है मनाया जाता है अक्टूबर में और एक होता है माघ बिहू माघ बिहू का मनाया जाता है जनवरी में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय त्यौहार तो भगत पर्व भगत पर्व कौन से राजा मनाया जाता है देख लीजिए आप और इंग्लिश में देखने वाले इंग्लिश में देखना तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसके झारखंड मिजोरम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश देखो मनाया कहाँ मनाया मना है ये मनाया जाता है झारखंड में ठीक है बसंत के मौसम में आया जाता है झारखंड बसंत में ठीक है स्प्रिंग में स्प्रिंग या समर मौसम में पूछ सकते इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ साथ में एडिशनल आपको पसंद है तो ठीक वरना कोई बात नहीं आप आग आगे बढ़ा के देख लीजिएगा क्योंकि ऐसा सी है वो कुछ भी कर सकता है कहीं से पूछ सकता है कौन सा त्यौहार तिब्बत के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है अच्छा क्वेश्चन है ये है फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टाइब न्यू ईयर ठीक तिब्बत के नए ईयर कौन सा होता है सागरतावा त्यौहार लोसर त्यौहार या फिर शोटों त्यौहार या फिर अंगोर त्यौहार आप देख लीजिए आप मान लीजिए आपकी क्या तैयारी है फिर मैं बताता हूँ कौन सा होता है ये होता है लोअसर त्योहार और ये भी किससे डिपोर्टेड है ये बुद्धा है। सब बुद्धा को ठीक है मोस्टली ज्यादातर तिब्बत वाले तो बुद्धिज़म ठीक है बुद्धिज़्म आप याद कर लीजिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर वर्ष मनाने मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौर गौरी पूजा के लिए आप तीनों में से किस राज्य में पाएंगे मतलब किस मतलब गौर गौरी पूछा ये पूछा बेसिकली किस राज्य में मनाया जाता है तो आप इंग्लिश में देख लीजिए इसे देखना तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं गुजरात छत्तीसगढ़ राजस्थान झारखंड उत्तराखंड आप देख लीजिए तो ये कहाँ मनाया जाता है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में कहां पर छत्तीसगढ़ में और ये कब मनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनाया जाता है दिवाली के नेक्स्ट डे दिवाली के अगले दिन याद रखिएगा ये पूछ सकते दिवाली का अगले दिन मनाया जाने जाना त्यौहार कौन सा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में ये पढ़ लीजिए त्यौहार को असम के अहोम लोगों के द्वारा मृत लोगों की याद में किससे मृत लोगों की याद में ये बहुत इंपॉर्टेंट मृत लोगों की याद में हर वर्ष अपना इकतीस जनवरी को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकतीस जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं मृत लोगों की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता था ये, ये पूछ सकते हैं इकतीस जनवरी कौन सा मनाया जाता था सही एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आप इंग्लिश में देख लीजिए देख लिया आपने तो मैं अब ऑप्शन देता हूँ ये कल कर मैंने करवाया था त्यौहार मी डैम मीफी तीर्थमुख लंपरा पूजा अशोक अष्टमी आप देख लीजिए कौन सा होता है मी डैम मीफी ये किसके लिए इकतीस जनवरी को मनाया जाता है एक, एक पहला क्वेश्चन ये दूसरा ये किसकी याद है मरुतलोक याद मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है असम में तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था ठीक है और जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा वो देख लीजिए कल ही मैंने करवाया ठीक है हॉनविल महोत्सव के साथ मनाया था यह आपको सबको रटा होगा हॉनविल आपके सामने ऑप्शन है मेघालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश असम तो सीधे मैं बता रहा हूँ नागालैंड ठीक है क्योंकि जो ईजी है उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जो आपको पढ़ा हुआ नहीं वो देखता हूँ मैं तो नेक्स्ट आया सर किस राज्य में हर वर्ष मार्च के महीने में चाप चार कौन सा चाप चार आप देख लीजिए कौन सा चाप चार कूट। और कब कब बनाया था ये देख लीजिए मार्च में याद रखिएगा अगली बारी पूछते थे कौन से महीने में तो कब कहाँ बनाया था चाप चार देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है मिजोरम उड़ीसा नागालैंड या फिर उत्तराखंड तो कहां मनाया था ये मनाया था मिजोरम में ठीक है चापचारकुट और कब मनाया था मार्च में मिजोरम ठीक नहीं सकते किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है कहां का पूर्व का ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कौन सा है हॉर्नविल या फिर मोटसुसोंग मुठसुमोंग या फिर अंबुबाची मेला या फिर बिहू देखिए ये दोनों आसाम में होते हैं बीहू और बिहू बीहू के मतलब तीन तरह के होते हैं अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है कामाख्या देवी टेम्पल में ये कहाँ पर है गुवाहाटी में ठीक है तो यही होता है क्या पूर्व का महाकुम याद कर लीजिएगा नेक्स्ट बतुकम्बा और बोनालू कहाँ के राज की त्यौहार है कौन बतुकम्बा और बोनालू आप देख लीजिए अच्छे से बथुकम्बा और बोनालू कर्नाटक तमिलनाडु केरल या फिर होगा तेलंगाना वही आंसर होगा इसका तेलंगाना याद कर लीजिए तेलंगाना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सकेवा इस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कीरत खंबू राय कौन सा सकोवा आपके सामनेवांबू समुदाय था कहा मनाया था ये पूछा गया अरुणाचल सिक्किम मेघालय या नागालैंड आप देख लीजिए कहाँ बनाया था ये सकेवा सिक्किम सा से सकेवा सा से सिक्किम ऐसे याद कर लीजिए ठीक नेक्स्ट देखते हैं और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कहीं पे भी थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें मोटिवेट करिए जल्दी से हमारे हज़ार सब्सक्राइबर करवाइए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं खासकर मैं तो बहुत आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ हमारे कभी सटे लाता हूँ कभी वो कैप भी लाता हूँ जी भी लाता हूँ दो वीडियो चला रहा हूँ प्लीज़ सपोर्ट करिए लाइक कीजिए सपोर्ट करिए प्लीज़ कौन सा त्यौहार है बलि यात्रा जिसका शब्द होता तो है बलि किया यात्रा या फिर बाली यात्रा बोलते हैं इसे बाली यात्रा भी बोलते हैं बाली यात्रा याद रखिएगा बाली यात्रा और जितने भी यात्रा यात्रा करके त्यौहार है ये एक ही जगह पर होते हैं ज़्यादातर धूम से मनाया जाता है कहाँ पर धूमधाम से आप क्या था जगन्नाथ का पूरी यात्रा बाली यात्रा कोची कटक गुणगा वेल्लोर तो कहाँ जाता कटक कटक कहाँ पर उड़ीसा में याद रखिएगा बाली यात्रा ही मनाया जाता उड़ीसा ठीक है कब मनाया था यार कार्तिक मून का फुल मून मनाया था कब फुल मून कार्तिक पूर्णिमा ठीक है नेक्स्ट द फेस्टिवल ऑफ कौन सा यानी कि सेक त्यौहार फरवरी के माह फरवरी के माह मनाया था कौन सी जनजाति द्वारा कौन सी जनजाति द्वारा तो देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ नागालैंड जनजाति पूछा कि अब अव... जबकि सॉरी मैंने क्वेश्चन देखा अंगामी जनजाति कौन सी अंगामी जनजाति है और ये कहाँ होने से बनाया था, था नागालैंड में कहाँ पर नागालैंड और जनजाति देख लीजिए आप ये जनजाति पूछ सकते हैं कौन सी अंगामी जनजाति ठीक है ये बहुत आ, अच्छा पॉइंट है नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन वहाँ आराम से पढ़ेगा मैं जल्दबाजी में पढ़ता हूँ तो गलबल कर देता हूँ मुझे जल्दी भी है कि आप लोग लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है तो मुझे बड़ा छोटे से छोटे में करना पड़ता है इज़ ए फेस्टिवल ऑफ जोरास्ट्रियन यानी कि ये और कब मार्च में मनाया जाता है अब इंग्लिश वालों ने इंग्लिश देख लिया कब हिंदी के लिए पारसी मूल का ये एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंती विशुभ को यानी कि इक्कीस मार्च को देखता है को दिन को चिन्हित करता है तथा भारत में विशेष रूप से पारसी द्वारा मनाया जाता है तो कौन सा त्यौहार है ये पूछा गया कौन सा है फवर्दी गन साल जमशेदी नवरोज या पटेती कौन सा होता है नवरोज होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब यह आ गया यहाँ से संगीत क्या आ गया यहाँ पर संगीत संगीत से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं संगीत आ गया तो देखते हैं यहाँ से संगीत में क्या क्या आता है आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए पहले पढ़ लिया आपने मैं देखता हूँ मारबट्स और बड़ग्यास के त्यौहार ने साम, सामाजिक रूप से बुराइयों का सामना किया और पुतलों के साथ एक जुलूस के माध्यम से अपने अपराधियों की आलोचना की तो क्या कहना चाहता है ये संगीत है तो कहाँ का ये जबलपुर का है या फिर पड़जी का नागपुर का हैदराबाद का कहाँ का ये नागपुर का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछता है आप कहेंगे क्या पूछा नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है शास्त्रीय संगीत का पखावज द्रुपद तराना या फिर धमार या फिर धमार देख लीजिए आप कौन सा है मुखर रूप कौन सा है याद रखिएगा मुखर रूप है पखावज ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विच पॉपुलर इंडियन बैंड ऑफ द नाइन्टीज़ रिलीज देयर फर्स्ट एल्बम बूंदे विथ मोहित चौहान एज इट द लीड तो नब्बे के दशक के किस लोकप्रिय बैंड ने मोहित चौहान को मुख्य रूप भूमिका में अपना पहला एल्बम बूंदे रिलीज किया था तो पूछा है तो कौन सा था पेंटाग्राम या फिर थर्टीन एडी या फिर सिल्क रूट या फिर लॉस्ट स्टोरी कौन सा था सिल्क रूट ठीक है नेक्स्ट जिकर या फिर जिक्र नाम के भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य के हैं मतलब जिक्र कौन से राज्य का लोकगीत है आपके सामने ऑप्शन है वेस्ट बंगाल असम उत्तर प्रदेश ओडीसा आप लगा लीजिए कहाँ का है असम का कौन लोग आते हैं मुस्लिम लोग आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी ठीक है मुस्लिम नहीं देखते हैं में से किस राज्य में लोकगीत भावैया भावैया गाया जाता है तो फोक सॉन्ग भावैया किस कहाँ से बिलोंग करता है तो देखते हैं ऑप्शन छत्तीसगढ़ उड़ीसा पश्चिम बंगाल या झारखंड कहाँ गया था ये पश्चिम बंगाल में ठीक है नहीं देखते हैं चकेरी या चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है कहाँ का ये पूछा गया चक्र इज टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक दैट इज पॉपुलर इन इंडियन स्टेट तो स्टेट आपके सामने है। राजस्थान एम पी जे एंड के पंजाब कहाँ का है जम्मू कश्मीर का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं धेन का एक प्रसिद्ध क्या है संगीत यंत्र जो निम्नलिखित भारतीय राज्य में से एक है धेन का कहाँ का संगीत यंत्र ये पूछा गया गोवा का है उड़ीसा का है केरल का है महाराष्ट्र का है कहाँ का है ये उड़ीसा का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं घमोट घमोट जो है एक स्वदेशी पारंपरिक क्या है उपकरण है क्या है इंडिजेनियस ट्रेडिशनल प्रक्यूजन इंस्ट्रूमेंट तो कहाँ का है कौन सा घंघट देखिए आंध्र प्रदेश है गोवा है पंजाब है असम है आपके सामने ऑप्शन है माफ कीजिएगा जी आप लगा लीजिए तो कहाँ का ये गोवा का है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे ठीक है तो देखते हैं इटावा मल्हार किराना ध्रुपद कहाँ से थे ये किराना से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सामूहिक गायन कौन सा शबद संबंधित है शबद कहाँ किससे संबंधित है गुरुपर्द से संबंधित है मोहरम से संबंधित है या फिर बुद्ध पूर्णिमा या फिर महावीर जयंती तो कहाँ संबंधित है ये सबक किससे संबंधित याद देखिए या कि किससे पर्व से ठीक है फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए प्लीज़ आपको पसंद आए बताइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोक संगीत मांड किस से संबंधित है उत्तर प्रदेश मणिपुर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान आप देख लीजिए कहाँ से है ये राजस्थान ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वो क्वेश्चन है कजरी कजरी कहाँ से है कजरी आपने सुना होगा यूपी वालों ने खास सुना होगा मैंने आंसर बता दिया यूपी से काफी फेमस है यूपी में कहाँ पर यूपी में कजरी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत पूछा कौन सा गोवा का तो रीजनल म्यूजिक ऑफ गोवा देखते हैं कौन सा है सेहर है या फिर पंडवानी है या फिर मांडो है या फिर लोटिया है तो आपका नाम से लग रहा होगा जहां पे मांडवी क्या मांडवी ठीक है मांडो नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र रीड यंत्र कैसा रीड यंत्र शहनाई मंजीरा तबला बांसुरी दे लीजिए आप लगा दीजिए कौन सा होता है शहनाई ठीक है नेक्स्ट और यहाँ सोचेंगे मुझे मैं टफ टफ फरा रहा को ऐसे आते नहीं तो ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और यही घुमा फिरा के पूछेगा बस हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बना दे और यहाँ से आंसर पूछ दे या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाकर यहाँ से पूछ दे तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए भूता सॉन्ग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट कौन सा भूता सॉन्ग भूता सॉन्ग तमिलनाडु यूपी या फिर बिहार केरल देख लीजिए कहाँ से ये केरला से केरला से ठीक है देख सकते हैं यूनेस्को के द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया किसे सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को डिक्लेयर की गई है तो कौन सी है दिल्ली वाराणसी जयपुर या फिर मुंबई तो आप जानते हो कि कहाँ पर बहुत संगीत अगर पाए जाते हैं और काफी मतलब संगीतों के लिए फेमस है कौन सी वाराणसी ठीक है प्राचीन काशी हमारी ने 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 से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है अच्छा ये उत्तर प्रदेश से नहीं कौन सा टप्पा बिरहा कजरी रसिया देखिए बिरहा भी होता है उत्तर प्रदेश में कजरी भी होता है रसिया भी होता है कौन सा नहीं होता टप्पा नहीं होता टप्पा कहाँ का टप्पा शायद पंजाब का है पंजाब ठीक है नेक्स्ट देखते हैं महूरी कौन सा महूरी ये एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जिसका संबंध किस राज्य से कौन सा महूरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किस राज्य से बिलोंग करता है स्टेट से तो आप देखते हैं आपके सामने ऑप्शन है केरला उड़ीसा हिमाचल अरुणाचल तो कहाँ संबंधित है ये उड़ीसा से नेक्स्ट देखते हैं से किस यंत्र के साथ संगीतकार माला चंद्रशेखर जुड़े कौन सिक्किलमाला चंद्रशेखर तो देखते हैं बांसुरी सितार सरस्वती वीणा या फिर सहनाई जुड़े हैं जुड़े सिक्किलमाला चंद्रशेखर फ्लूट कि बांसुरी से और इनसे हरिप्रसाद चौरसिया जुड़े हुए बहुत फेमस है हरिप्रसाद चौरसिया ये अक्सर आता रहता है हरिप्रसाद नेक्स्ट तूरी तूरी बंगला बंगलिया एंड पावा तुरी बंगला और पावा ये वाद्यंत्र है कहां का ये पूछा गया पश्चिम बंगाल कर्नाटक उड़ीसा गुजरात देख लीजिए कहाँ का ये गुजरात का ठीक है नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक था तो कौन देखिए? बड़े गुलाम अली खान नुसरत फतेह अली खान बेगम अख्तर या नाज़ हसन तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे इनके आपने बहुत गाने सुने होंगे जो आजकल रीमेक हो रहे हैं आँख मोहब्बत में अंगड़ाई ली ये सब तो नुसरत फतेह अली खान ठीक है निम्न से कौन से अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है तो आप देखिए आपके सामने ऑप्शन है इंग्लिश में देख लीजिए जैसे नहीं देखा तो आप देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान कल कला संगीत अकैडमी या फिर मुलती राम संगीत अकेडमी या फिर रविंद्र जैन या फिर रेणुका के संगीत चक्र आप लगा लीजिए जिसका आंसर होगा उस्ताद वाला पहला ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े बत्तख के तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है जिसे बोबली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें अच्छे से पढ़ लिया आपने तो अब देखते हैं कौन से किस लकड़ी सुना था ये पूछा गया सागौन की लकड़ी जैक फ्रूट की लकड़ी अखरोट की लकड़ी या चंदन लकड़ी लकड़ी जैक फ्रूट की से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है ये भी आपको जानते होंगे हैं कहा, कहा है? महाराष्ट्र का डायरेक्ट बताते रहो ठीक है अब आया है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है उस्ताद अलादिया खान बिलोंग्स टू विच घराना किस घराने से कौन अलादिया खान तो आगरा घराना बनारस घराना ग्वालियर घराना जयपुर घराना आपके सामने ऑप्शन है बताइए आप घराना से महाराष्ट्र घराना देखो ऑप्शन गलत दे रखा है ये यह यहाँ पे महाराष्ट्र घराना होगा ठीक है महाराष्ट्र जयपुर घराना ये गलत है ठीक है महाराष्ट्र होगा यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है भटियाली कौन सा भटियाली फोक म्यूज़िक किस राज्य का तो आपके सामने ऑप्शन है सारे तमिलनाडु केरल कर्नाटक पश्चिम बंगाल तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बताइए कमेंट में रिसर्च करिए थोड़ी आप जब रिसर्च करेंगे तभी आपको याद होगा कमेंट बताइए फिर मैं कल आपको इसका आंसर बताऊँगा ठीक है जुड़े रहिए अभी जी एस भी, भी आएगी आपके लिए और वॉकेअप भी चल रहे हैं ठीक है थैंक यू